Hello students, in this video we are going to study your last chapter of class 12th Swami and Friends, chapter number 9, the school breaks up. इसके बाद हमारा जो पूरा Swami and Friends का सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से. हम वापस से सेक्शन एक ही और चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे जो हमने चैप्टर 4 छोड़ा था उसे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्कूल ब्रेक्स अप. ड्राई लिप्स, parched throat and ink stained fingers and exhaustion on one side and exhalation on the other, Swaminathan strode out of the examination hall of the last day. आखिरी दिन है, आखिरी पेपर है. स्वामी का गला सूख रहा था, इंक में उसके हाथ डूबे हुए थे और उसके होठ सूखे थे. इधर उधर झांकते हुए स्वामी आखिरकार पेपर देके स्कूल के हॉल से बाहर निकलता है. बरामदे में खड़े हुए वह जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल अनईजी सा महसूस होता है. उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता अगर दूसरे बच्चे या दूसरे लड़के भी जो है वो पेपर देकर उतनी ही जल्दी बाहर आ गए होते जितने वो बाहर आ गया था. 20 minutes बिफोर टाइम, वो 20 मिनट पहले आ चुका था. विथ हिज शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, अगर जब उसने अंदर झांका तो उसने देखा कि शंकर जो है उसका कंधा वॉल से है और वो अलग ही दुनिया में खोया हुआ है. राजम सेकेंड वेंटिलेटर पे है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेंटिलेटर पे है, ये मजाकिया लहजे में लेखक ने लिखा है. वो कहना चाहते हैं कि राजम इतना ज़्यादा बिजी है लिखने में कि उसे कोई होश भी नहीं है कि क्या चल रहा है दुनियादारी में इधर उधर, है ना. 2/3 बॉयज़ के बीच में बैठा हुआ वो एक राइटिंग मशीन में बदल चुका है. मनी अभी भी इधर उधर झाँक रहा है और अपने चीन को पेन से खुजा रहा है. पी जो है वो सीट पर पीछे की तरफ ना झुका हुआ है और अपने आंसरों को रिवाइज़ कह रहा है. और जो सुपरवाइज़र है यानी कि जो एग्ज़ामिनर हैं जो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम ले रहे हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं. एक बैठा हुआ है, एक दूसरा इधर उधर झांक रहा है, दूसरों को देख रहा है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा ना इधर उधर झांक तो नहीं रहा है. कमरे के अंदर निब्स की आवाज़ हो रही है, पेपरों के पलटने की आवाज़ हो रही है, गलों के खराशों की आवाज़ हो रही है. बस यही साइलेंस हॉल के जो साइलेंस है उसको तोड़ रहा है, बाकी तो पूरा साइलेंस हॉल में मचा हुआ है. Swaminathan suddenly wished that he had not come out so soon. Swaminathan अचानक उसे लगता है कि यार अपन तो बहुत जल्दी निकल आए बाहर, अपने को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था. लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में टिकता भी तो कैसे. तमिल का पेपर 5 बजे ख़त्म होना था और उसने अपने आप को 4:30 बजे पाया कि वो लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिख रहा है. आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, 6 पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे, उसने पहले क्वेश्चन को बड़ी संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया. सेकेंड वाला डाउटफुल था, तीसरा भी संतुष्टिपूर्वक था, चौथा जो था वो क्लियरली लॉन्ग था क्योंकि उसे सही जवाब नहीं पता था इसलिए वो गलत लिख के आ गया. पांचवा उसने किया ही नहीं. एंड द 6th answer वॉज द बेस्ट फॉर लॉट, जो छठा था वो बेस्ट था सब में से. उसको सिर्फ 1 मिनट लगे उसका आंसर लिखने में. उसने क्वेश्चन जो है वो 4:30 बजने में 2 मिनट जब बाकी था यानी कि 4:28 पे पढ़ना शुरू करा, 1 मिनट बाद उसे लिखना चालू करा और 4:30 बजे उसे लिख दिया. क्वेश्चन ये था कि व्हाट मॉरल डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण एंड टाइगर, ब्राह्मण और टाइगर की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या थी कहानी चलिए जानते हैं. अ ब्राह्मण वॉज पासिंग अलॉन्ग द एज ऑफ अ पॉन्ड, एक ब्राह्मण जो था वो एक तालाब के किनारे से निकल रहा था. अ टाइगर हेल्ड हिम फ्रॉम द अदर बैंक एंड ऑफर्ड हिम गोल्ड बेंगल, एक टाइगर जो पॉन्ड के दूसरे किनारे बैठा था उसने उसे गोल्ड बेंगल का लालच देते हुए बुलाया. ब्राह्मण ने पहले तो ऑफर लेने से मना कर दिया लेकिन टाइगर ने दिखाया कि वो कितना इनोसेंट है, सिंसियर है, तो ब्राह्मण पोंड पार करके उसके पास गया. इससे पहले कि वो गोल्ड बेंगल लेता वो टाइगर के अंदर जा चुका था. स्वामीनाथन को हैड नेवर थॉट दिस स्टोरी कंडेम अ मॉरल, स्वामीनाथन को तो आज तक नहीं लगा कि इस कहानी में कोई मॉरल था भी, बट नाउ ही फेल्ड दैट, लेकिन अब उसे लग रहा है कि इसमें मॉरल है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. उसने 1 मिनट लिया डिसाइड करने में, उसने 2 मॉरल निकाले. पहला नंबर था कि हमें टाइगर से गोल्ड बेंगल नहीं लेना चाहिए, टाइगर से गोल्ड बेंगल नहीं लेना चाहिए, ये उसने पहला मॉरल निकाला. और दूसरा मॉरल निकाला कि गोल्ड बेंगल के लालच में किसी का जीवन चला गया. हाँ, उसको दूसरे वाले में ज़्यादा लॉजिक नज़र आया और उसने वो लिख भी डाला. लिखने के बाद उसने बड़ी घड़ी की ओर देखा, आधा घंटा बाकी था, आधा घंटा क्या करेगा बैठ के. हालांकि उसे अजीब भी लग रहा था कि वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. Why could not the other be as quick and precise as he? क्यों दूसरे लोग इतने संक्षेप में नहीं लिखते हैं और इतना जल्दी नहीं लिखते हैं जितना स्वामी लिखता है, ये सोचते हुए वो वहाँ से जाने की तैयारी करता है. He saw a supervisor observing him. उसने देखा कि एक सुपरवाइज़र यानी कि टीचर उसी की तरफ देख रहा है. उसने अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश की और आंसर पेपर लिखने की दिखाने की कोशिश करी.
उसने थोड़ी देर सोचा, ही माइट एज वेल डू अ लिटिल रिविजन. उसने लिटिल रिविजन करने की कोशिश भी की. ही रोड फ्यू लाइन्स, उसने पहली दो एक दो लाइनें पढ़ी और उसके बाद वो बोर हो गया पढ़ते हुए. तो उसने है ना, ही टर्न्ड ओवर द लीव्स एंड केप्ट गेजिंग एट द लास्ट आंसर. उसने लास्ट आंसर को फिर से देखा और उसने प्रिटेंड किया, दिखावा किया कि वो उसे रिवाइज कर रहा है. उसके बाद उसने टाइगर की स्टोरी को वापस से देखा. उसने सारा मीनिंग ही अब वो तो भूल चुका था कि क्या मतलब क्या निकला है. उसने अपने पेन को वापस से थोड़ा सा काम पे लगाया, थोड़ा सा इधर उधर झाँका और आखिरकार उसने फैसला किया कि बस हो गया पेपर मेरा, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं झिलाएगा. बोर्डम झेल रहा था वो, है ना, और वो वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में आ गया. उसने घड़ी की ओर फिर से देखा, थिंकिंग दैट इट मस्ट बी अर्ली 5 नाउ, है ना. उसने देखा कि 5 बजने ही वाले हैं. इट वॉज ओनली 10 मिनट्स पास 4:30. अब क्योंकि वो क्लास के बाहर आ चुका था, बरामदे में खड़ा था, उसने देखा कि अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं 5 बजने में. उसने देखा कि 2-3 बच्चे और बाहर आ रहे हैं. उसको काफ़ी खुशी हुई. ही ब्रिस्ली फोल्डेड द पेपर एंड रोट द फ्लैप इन एलिबरेट इंस्पिरेशन. जब वो पेपर दे के आया था तो उसमें उसने लिखा था, तमिल का पेपर था, स्वामीनाथन पेपर दे रहा है जो कि फर्स्ट फ्रॉम सेक्शन ए में पढ़ता है, अल्बर्ट मिशन स्कूल में, मालगुड़ी में, इंडिया में, एशिया में, सब कुछ लिखाया वो. द बेल रैंग, घंटियाँ बजी, 2-3 बच्चे और बाहर आए हॉल से, है ना. इट वॉज थोरो कॉन्स्ट्रक्ट द प्रिसीडिंग 3 आवर्स. बिल्कुल एक कॉम्पिटिशन सा चलता रहा 3 घंटे तक. देर वॉज अ डीन ऑफ एक्साइटेड चेटर. आपस में बातचीत कर रहे बच्चे, जो कि करते ही बाहर निकलते ही, तूने क्या किया, इसका आंसर क्या आ रहा था, उसका आंसर क्या आ रहा था, वाट हैव यू रिटर्न फॉर द लास्ट क्वेश्चन. स्वामी ने किसी से पूछा कि तुमने लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा. किसी ने पूछा, अच्छा वो मॉरल क्वेश्चन, अरे तुझे याद नहीं कि टीचर ने क्या बताया था क्लास में, लव ऑफ गोल्ड कॉज द ब्राह्मण हिज लाइफ. गोल्ड के लालच में ब्राह्मण को अपना जीवन गंवाना पड़ा. स्वामीनाथन ने कहा, इसमें गोल्ड कहाँ था, गोल्ड की बेंगल थी पगले, गोल्ड थोड़ी ना था, है ना. देर वॉज ओनली ए गोल्ड बेंगल, सिर्फ गोल्ड बेंगल थी. हाउ मच हैव यू रिटर्न फॉर द क्वेश्चन. फिर उसने पूछा, कितना लिखा तूने. तो भाई ने बोला कि 1 पेज लिख डाला मैंने. अब स्वामी का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि स्वामी सिर्फ 1 लाइन लिख कर आया था और उसने बोला कि 1 पेज लिख दिया मैंने. तो स्वामी ने पूछा, इतना क्या लिख डाला यार. अ लिटिल लेटर ही फाउंड राजमन शंकर. थोड़ी देर बाद उसे राजम शंकर मिले. उसने पूछा, और लड़को पेपर कैसा गया. शंकर, तुझे कैसा लगा पेपर. स्वामी ने कहा, नहीं ज़्यादा बुरा नहीं था, है ना. राजम ने कहा, मुझे तमिल में बहुत डर लग रहा था, अब मैं सेफ हूँ, है ना, मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आऊँगा. शंकर ने चिढ़ते हुए कहा, अरे ज़्यादा ही आ जाएंगे, झूठ क्यों बोलता है, है ना. स्वामीनाथन ने कहा, अरे देखो कुछ बेवकूफ़ों ने वो मॉरल वाले क्वेश्चन में 1 पेज भर डाला. राजम ने कहा, हाँ मैंने भी 2/3 पेज तो भरा है. शंकर ने कहा, हाँ मैंने भी आधे से ज़्यादा ही लिखा हुआ है, है ना. अब स्वामी का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि स्वामी सिर्फ 1 लाइन लिख के आया था, बाकी सब पेज के पेज भर के आ रहे थे. तो स्वामी ने झूठ कहा, हाँ मैंने भी आधा पेज भरा है, लेकिन 1 पेज क्या भर दिया, आधा पेज ठीक है, 1 पेज क्या भर दिया, है ना. अब वो अपने दिल को समझा रहा था कि अरे अपने साथ तो चोट हो गई. बॉयज़, डू यू रिमेंबर दैट वी हैव नो स्कूल फ्रॉम टुमारो. तभी किसी ने कहा कि अरे तुम्हें पता है, है ना, कि कल से स्कूल नहीं है. राजम ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था. वेल व्हाट आर यू डूइंग गोइंग टू डू विथ योर सेल्फ. किसी ने पूछा, अब क्या करोगे तुम गर्मियों में. मैं, स्वामीनाथन ने मजाक में कहा, मैं किचन में अपनी किताबें जलाने वाला हूँ फ्यूल के रूप में. माय फादर हैज़ बॉट, है ना. शंकर ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सारी किताबें ला दी है वेकेशन में पढ़ने के लिए, सिंदबाद, जहाँजी, अली बाबा और भी बहुत सारी. मनी अपने हाथों को हिलाता हुआ ज़ोर ज़ोर से वहाँ आया. अरे यार टाइम बहुत कम था, है ना, मैंने तो लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ ही डाला, है ना, छोड़ देता मैं, बाकी टाइम बहुत कम था, कैसे तैसे मैनेज मैंने किया. घंटी बजी 15 मिनट बाद, पूरा स्कूल है ना जो हॉल में इकट्ठा हो गया, सारे बच्चे हॉल में इकट्ठे हो गए. देर वॉज जॉय ऑन एवरी फेस. हर चेहरे पर खुशी थी क्योंकि स्कूल बंद होने वाले थे. एंड गुड फेलोशिप इन एवरी वर्ड. सभी दोस्ती की बातें कर रहे थे. जो टीचर है वो भी सब बच्चों से खुशनुमा रूप से मिल रहे थे. वन ऑफ टीचर वैन ही सॉ मनी. एक टीचर ने जब मनी को देखा, उसने कहा, ए गधे, है ना, तू अपना टाइम कैसे वेस्ट करने वाला है वेकेशन में. तो मनी ने कहा, मैं तो सर सोने वाला हूँ. अपने दोस्त को आँख मारते हुए कहा, अरे सर मैं तो सोने वाला हूँ पूरे टाइम, है ना. तो टीचर ने कहा, तू अपने दिमाग को सही नहीं करवाएगा स्कूल आने से पहले. तो उसने हिट मारी कि भाई मैं, ये कैसे पॉसिबल है सर, इसके लिए आपको शंकर की गर्दन काट के मेरे गर्दन पर लगाना पड़ेगी. और ये सुनते से ही सारे बच्चे हंसने लगे. देयर वुड हैव बीन रोर्स ऑफ लाफ्टर एट एनीथिंग. उस समय तो जिस किसी भी बात पे हंसी छूट रही थी. मूड वॉज सच इन शियर जॉय. सभी लोग खुश थे. ड्राइंग मास्टर वॉज ब्रिंगिंग डाउन हिज केन ऑन अ रो ऑफ फीट बिकॉज, है ना,
ड्राइंग मास्टर जो है वो अपनी केन लेके घूम रहे थे, कोई ज़्यादा मस्ती करते हुए पाया जाता तो आखिरी दिन भी चटका देते हो तो, है ना। और उन्हें कहा कि भाई एक दो पाँव इधर उधर निकल रहे हैं, सब अंदर करो, लाइन से खड़े रहो हॉल में। हेड मास्टर अपियर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। थोड़ी देर में हेड मास्टर प्लेटफॉर्म पर आ गए, एंड आफ्टर वेटिंग फॉर द नॉइज़ टू सबसाइड, है ना, उन्हें नॉइज़ के कम होने का इंतज़ार किया, फिर अपना एक छोटा सा स्पीच दिया जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल जो है वो 19 जून तक क्लोज रहेंगे और फिर 20 जून से वापस खुल जाएंगे। उन्होंने उम्मीद करी कि जो लड़के हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टोरी की बुक्स पढ़ेंगे और अपने अगले साल की किताबों पर भी ध्यान देंगे ही, और उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकतर बच्चे प्रमोट अगली क्लासेस में हो जाएंगे। एंड नाउ अ मिनट मोर देन वुड बी अ प्रेयर। फिर थोड़ी देर बाद एक प्रेयर होती है विच द बॉयज़ माइट ना डिस्पर्स एंड गो होम। उसके बाद बच्चे अपने घर जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रेयर द स्टॉर्म बस। आखिर जैसी प्रेयर हुई तूफान छूट पड़ा। तूफान छूट पड़ा मतलब सारे के सारे बिल्कुल बाहर भागे विद द लाउडेस्ट लस्टियस्ट क्राइस। चिल्ला पुकार मचने लगी, है ना। गैदरिंग फ्लडेड आउट द हॉल ऑफ इन वन बॉडी, है ना। ऐसा लग रहा था कि एक हॉल से एक बॉडी निकल रही, इतनी तेज़ी से वो सारे भागे, एक साथ बाहर भागे। ऑल दो दिस विगरस कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, इसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर पैदा हो गया। स्वामीनाथन मनी से चिपका हुआ था क्योंकि ये जनरल बिलीफ था स्कूल के अंदर कि आखिरी दिन एनिमीज जो होते हैं वो चाकू मार के या है ना वो जो डिवाइडर होता है वो घुसा के भाग जाते हैं, है ना। स्वामीनाथन का वैसे तो कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन आज के दिनों में कौन कह सकता है, स्कूल एक बुरी जगह होती है, ऐसा स्वामी का मानना है। मनी डिड सम ब्रिस्क वर्क एट द स्कूल गेट। मनी अपने अलग ही काम में लगा हुआ था स्कूल गेट में, वो सारे बच्चों से इंक बॉटल छीन रहा था, पेन छीन रहा था और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था, तबाह कर रहा था। उसके आसपास एक क्राउड सी इकट्ठा थी जो एक्साइटमेंट और जॉय से कर रही थी सारा काम काज, है ना। और वो क्या कर रहा था कि सारी स्टेशनरी लेता था और फाड़ देता था, तोड़ देता था। एक और दो बच्चे ने विरोध भी किया, मनी ने उनके विरोध को उनके सर पे बॉटल फोड़ के ख़त्म कर दिया, उनकी टोपियाँ फाड़ दी और पूरी इंक जो है उनके कपड़ों पर ढोल दी। ही हैड स्मॉल बैंड ऑफ असिस्टेंट्स, उसके चमचे चेले चपाटे जो मनी के थे वो भी आसपास ही थे, जिसमें स्वामीनाथन भी मेन था। ओवरकम बाय द मूड ऑफ एन आर ही हैड स्पॉन्टेनियसली एम्पटीड हिज इंक बॉटल्स ओवर हिज ओन हेड। स्वामीनाथन को इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि उस मनी के डर से उसके ऊपर इंक तो कोई ढोल नहीं रहा था, तो उसने खुद के ऊपर इंक ढोल ली टाइम पास के लिए। एंड ड्रॉन फ्रेडफुल डार्क सर्कल्स अंडर हिज आईज एंड ड्रिपिंग आउट, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए थे। अ पुलिसमैन पास बाय मनी शाउटेड, एक पुलिस वाला जब मनी के पास से गुजरा तो मनी चिल्लाया, ओ पुलिस वाले भैया ये बच्चों को अरेस्ट कर लो, है ना। और सब हवा में टोपियाँ उछाल रहे थे, एक दूसरे को मज़े ले रहे थे, खूब ही मज़ा चल रहा था वहाँ पे। कुछ और इंक बॉटल्स ग्राउंड पे फोड़ी जा रही थी, पेनों को तोड़ा जा रहा था। उसी के बीच में मनी चिल्लाया कि जो भी मुझे सिंगाराम की टोपी ला के देगा मैं उसे डाई करके उसके लिए दूंगा। सिंगाराम ने जब ये सुना, जो कि स्कूल का पियून था, वो है ना सिर्फ वही आदमी था जो इस स्पिरिट ऑफ लिबर्टी से खुश नहीं था, और वो डंडी लेकर अपनी पगड़ी की बात सुनकर डंडी लेकर सारे बच्चों के पीछे भागा। और इस तरह से वो जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, स्कूल के दिन समाप्त होते हैं, स्वामीनाथन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।